मारिया एलियोनोरा जर्मनी की प्रिंसेस और स्वीडन की क्वीन थी, जो अपने पागलपन और वारिस के प्रति अपने ऑब्सेशन की वजह से ज़्यादा फेमस हैं। मारिया ने एक लड़के की चाह में अपनी नवजात बेटी को भी अपनाने से इनकार कर दिया था, और यही नहीं, वह उसे कई बार मारने की कोशिश भी करती थी। तो चलिए जानते हैं स्वीडन की इस रानी के बारे में। मारिया का जन्म 11 नवंबर 1599 में जर्मनी में हुआ था। उसके पिता जॉन सिगिसमंड ब्रेडनबर्ग के इलेक्टर थे और माँ एना प्रूशिया की रानी थी। मारिया क्लीव्स के एने की भांजी थी, जो कि इंग्लैंड के राजा हेनरी सेवन की चौथी पत्नी थी। मारिया के बचपन से ही उनकी माँ एना का बहुत प्रभाव था। एना अपने पति से ज़्यादा समझदार और डोमिनेटिंग थी। वो अपने पति से आर्गुमेंट के दौरान उनके ऊपर प्लेट्स, ग्लासेस ये सब फेंक दिया करती थी। एना के हस्बैंड की डेथ के बाद एना के बेटे ने राज संभाला, लेकिन एना का राज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। अपने बेटे जॉर्ज विलियम की मर्जी के खिलाफ एना ने मारिया की शादी स्वीडन के राजा गस्टोवस सेकेंड एडोल्फस से तय कर दी। 7 अक्टूबर 1620 को मारिया ब्रेडनबर्ग से अपनी माँ एना और अपनी बहन कैटरीना के साथ अपनी शादी के लिए निकली, और 25 नवंबर 1620 को मारिया की शादी स्टॉकहोम में गस्टोवस टू एडोल्फस से हो गई। 3 दिन बाद वो स्वीडन की रानी बनी। मारिया की शादी के एक साल तक उसकी माँ एना और बहन कैटरीना मारिया के साथ स्वीडन में ही रहे, और वो दोनों अगस्त 1624 तक वहीं रहे, फिर जर्मनी लौट आईं। गस्टोवस टू एडोल्फस, जिसको गस्टो भी कहते हैं, को हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर में से एक गिना जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच बढ़ते विवाद और लड़ाइयों के चलते गस्टो को अक्सर युद्ध में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मारिया एक बिल्कुल अलग राज में, जिसकी लैंग्वेज भी उसे नहीं आती थी, में अकेला महसूस करती थी। गस्टोव जब 22 साल का था, तभी से अपने लिए एक परफेक्ट वाइफ ढूंढ रहा था। उसको एबा ब्राहे नाम की एक लड़की पसंद थी, और 1613 में उसने अपनी माँ से एबा से शादी करने की बात कही, लेकिन उसकी माँ ने इसकी परमिशन नहीं दी, क्योंकि एबा शाही खानदान से नहीं थी। लेकिन गस्टोव हमेशा एबा के ही प्यार में रहा। गस्टोव और मारिया दोनों को आर्किटेक्चर और म्यूजिक काफ़ी पसंद था। मारिया गस्टोव को अपना हीरो मानती थी, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। फॉरेन एम्बेसडर्स भी मारिया को ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लेडी मानते थे। मारिया फ्रेंच बोलती थी, लेकिन उसने कभी भी जर्मन या फिर स्वीडिश लैंग्वेज नहीं सीखी। 6 महीने के अंदर ही गस्टोव को एक मिलिट्री ऑपरेशन पर जाना पड़ा, और उस समय मारिया प्रेग्नेंट थी। मारिया जर्मन औरतों के बीच रहती थी। मारिया को वहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। उसे वहाँ का मौसम, छतें, घर, रोड कुछ भी पसंद नहीं आता था, और वो अपने पति को काफ़ी मिस करती थी। साल के अंत में मारिया का मिसकैरेज हो गया, और वो काफ़ी बीमार पड़ गई। उसके बाद से मारिया काफ़ी चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। उसको हर बात पर गुस्सा आ जाता था, और वो कुछ भी बोल देती थी। यही नहीं, वो गस्टोव को भी किसी के भी सामने डांटने लगती और उस पर चिल्लाने लगती थी। हालत ये थी कि मारिया को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। मारिया अपने पति से बहुत प्यार करती थी, और वो जल्द ही जलस भी हो जाती थी, इसलिए वो अपने प्यार का इजहार कभी भी और कहीं भी करती थी, और वो अपने प्यार को दिखाने के लिए जो भी कुछ करती थी, वो उस समय के हिसाब से सही नहीं माना जाता था। और मारिया के इन्हीं हरकतों की वजह से लोग मारिया को काफ़ी इमोशनल और हिस्टेरिकल मानने लग गए, और मारिया को बेवकूफ़ बुलाने लग गए। इन हरकतों की वजह से मारिया के हस्बैंड ने बोला कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मारिया को कोई भी राजनीतिक पद नहीं मिलेगा। गस्टोव शादी के बाद भी एबा ब्राहे के ही प्यार में रहा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मारिया को इस बात का अंदाज़ा भी था। 1623 में मारिया ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अगले ही दिन उस बच्ची की डेथ हो गई। उस टाइम केवल एक मेल वारिस था वहाँ, और वो था पोलैंड का राजा और उसके बेटे, जिसे सब नफरत करते थे। गस्टोव भी अकेला ही बचा था, क्योंकि उसके भाई पहले ही मारे जा चुके थे, और गस्टोव भी हमेशा युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालता रहता था, इसलिए पूरे राज्य को एक वारिस का बेसब्री से इंतज़ार था। मारिया तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, और मारिया काफ़ी खुश भी थी इस बात से, क्योंकि उस समय कोई भी युद्ध नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि वो भी गस्टोव के साथ रॉयल शिप पर जाना चाहती हैं। गस्टोव भी इस बात पर मान गया। वहाँ कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक
समुद्र में तूफान आ गया और हड़बड़ाहट में जल्द ही रानी को बचाकर महल ले जाया गया। लेकिन महल पहुंचकर मारिया ने कहा, जीसस, मैं अपने बच्चे को महसूस नहीं कर पा रही। और एक बार फिर से मारिया का मिसकैरेज हो गया था। पोलैंड के साथ दोबारा युद्ध होने के कारण गस्टो को फिर से अपनी पत्नी को छोड़कर जाना पड़ा और मारिया इस बात से काफ़ी दुखी रहती थी। मारिया को इतना डिप्रेस देखकर गस्टोव ने मारिया को अपने साथ लिवोनिया आने को कहा, क्योंकि गस्टोव ने एक बार फिर से पोलैंड को हरा दिया था। अप्रैल 1627 को मारिया फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार कोई भी रिस्क नहीं लिया गया और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बताया कि इस बार मारिया को एक लड़का ही होगा। वो दिन आया जब मारिया की डिलीवरी डेट थी और गस्टोव भी युद्ध विराम के दौरान स्टॉकहोम वापस आया। 7 दिसंबर को बच्चा जन्मा, जो कि सिर से लेकर पाँव तक बालों से ढका था। उसकी नाक काफ़ी बड़ी थी और वो भी बालों से ढकी थी, इसलिए ये मान लिया गया कि बच्चा एक लड़का है और राजा को बता दिया गया। लेकिन बाद में क्लोजर इंस्पेक्शन से पता चला कि वो एक लड़की है। गस्टोव ने उसे देखकर कहा कि ये बहुत ही चालाक होगी, क्योंकि इसने हम सबको चकमा दे दिया और बच्चे का नाम अपनी माँ के नाम पर क्रिस्टीना रखा। और उसने ऑर्डर दिया कि राज्य में क्रिस्टीना के बारे में वैसे ही बताया जाए जैसे कि एक बेटे के आने पर बताते हैं। और गस्टोव ने सबको बोला कि बेटी होने की बात वो खुद ही मारिया को बताएगा, क्योंकि मारिया की हालत ठीक नहीं थी। कई दिन बाद मारिया को सच बताया गया, जिस पर मारिया चिल्लाई और बोली, बेटे की बजाय मैंने एक काली बदसूरत लंबी नाक वाली एक लड़की को जन्म दिया है। इसको मेरे पास से ले जाओ और मैं ऐसे शैतान जैसी दिखने वाली लड़की को रख नहीं सकती। और इसके बाद से मारिया ने अपनी बेटी को कई बार मारने की कोशिश भी की। क्रिस्टीना के बचपन में ही उसका कई बार अजीबोगरीब तरीके से एक्सीडेंट हुआ। एक बार उसके बेड पर अचानक लोहे की बीम गिर गई, एक बार वो सीढ़ियों से गिर गई और एक बार तो वो पत्थर के फर्श पर गिरी हुई पाई गई, जिसका इल्ज़ाम नर्स पर लगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फर्श पर गिरने की वजह से क्रिस्टीना का कंधा टूट गया। फ्रैक्चर तो ठीक किया जा सका, लेकिन क्रिस्टीना का एक तरफ का कंधा हमेशा ऊंचा ही रहा। क्रिस्टीना के जन्म के बाद मारिया के पागलपन की सीमाएं बढ़ने लगे। 3 मिसकैरेज, पति की जिंदगी हमेशा दांव पे लगे रहना और अनजान जगह होना उसके इस बिहेवियर की वजह माना गया। गस्टोव ने क्रिस्टीना को लड़के की तरह पालना शुरू किया। वो उसे मिलिट्री रिव्यूज के लिए भी ले जाता था। और क्योंकि मारिया क्रिस्टीना को देखना भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए गस्टोव ने उसे अपनी हाफ सिस्टर कैथरीना को क्रिस्टीना की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिन बाद मारिया अपने घर जर्मनी चली गई। जल्द ही गस्टोव को 30 साल के युद्ध, जो कि 1618 से लेकर 1648 तक चला, उसके लिए जाना पड़ा। पर उससे पहले वो क्रिस्टीना के लिए सारे अरेंजमेंट करके गया और उसने ऑर्डर दिया कि क्रिस्टीना को सारी शिक्षाएँ दी जाए जो केवल लड़कों को मिलती थी। लुट्जन के युद्ध में गोली लगने की वजह से 39 साल के गस्टोवस टू एडोल्फस की मौत हो गई और इस तरीके से नॉर्थ के शेर का अंत हो गया। ये खबर सुनकर 1633 में मारिया स्वीडन वापस आई और उसने ये ऑर्डर दिया कि किंग का दिल उसके लिए लाया जाए, जिसे वो एक गोल्डन बॉक्स में रखकर उसके साथ सोया करती थी। मारिया ने गस्टोव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। वो दिन रात गस्टोव की बॉडी के पास बैठे रहा करती थी और रोती रहती थी। 18 महीने बाद 22 जून 1634 को स्टॉकहोम स्वीडन में गस्टोव का अंतिम संस्कार किया गया। मारिया को हमेशा अपने पति की याद में रोया हुआ पाया जाता था और 1636 में क्रिस्टीना पर से उसके सारे अधिकार खत्म कर दिए गए, क्योंकि उस समय तक वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। अक्टूबर 1635 में माइकल ड्यूवोस ने मारिया को गोली से मरवा दिया और उसे उसके हस्बैंड के बगल में रेडरहोम चर्च स्टॉकहोम स्वीडन में रखा गया। मारिया और गस्टोव की बेटी क्रिस्टीना 13 साल की उम्र में रानी बनी। मारिया एलेनोरा को उसकी खूबसूरती की वजह से याद तो किया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको याद किया जाता है उसकी गस्टोवस एडोल्फस से शादी और उसकी बेटी क्रिस्टीना के लिए। वो एक ऐसी रानी थी जिसने अपने पति के प्यार में अपनी बेटी, राज और अपने आप को दरकिनार कर दिया। तो ये थी ब्रैडनबर्ग की मैड क्वीन मारिया एलेनोरा की कहानी। अगले वीडियो में जानेंगे मारिया की बेटी क्रिस्टीना के बारे में, जिसकी ज़िंदगी भी उसकी माँ की तरह उतार चढ़ाव से भरी रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।